एक्शन लेना है, और वो आपको एक एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होता है। दो चीजें होती है, एक नॉलेज होती है, एक एक्सपीरियंस। ठीक है, तो नॉलेज से हम एक्सपीरियंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। यस सर। ठीक है, तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ चिल करना है, और आपकी ना नैया बहुत बढ़िया तरीके से पार होगी। एक एक ही जगह से नहीं, नहीं हर जगह से। देखो भाई, पहली जगह आ गई, MST बन गए, फिर सुपरवाइजर बन गए, इंजीनियर बन गए, मैनेजर बन गए, उससे ऊपर तक भी जगह हैं। ठीक है, तो नो टू वरी, चिल करो। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है, और जो हम चाहते हैं वो दिख रहा है कहीं ना कहीं। जी सर, थैंक यू। मेरा नाम सर गौरव शर्मा है, और मैंने BTEC किया है। एक्चुअली मुझे शुरुआत में कुछ पता नहीं था, तो मैंने 2-3 साल क्वालिटी डिपार्टमेंट में जॉब की थी। जब मैं तो बहुत बढ़िया रहता है कुछ, क्या क्वालिटी में तो थोड़ा ठीक है। प्रोडक्शन में और किस किस ने किया है काम? चैन वेन पे, चैन वगैरह पे किया किसी ने? तो वहाँ बिल्कुल लेबर की तरह काम लगता है। यार भाई, किस लिए इंजीनियरिंग कर ली यार, लगा कुछ ऐसा कि नहीं? ऐसा होता है जैसे कि वहाँ पे बंदों को हायर किया जिसे कुछ नॉलेज नहीं है, उसे सीधा लाइन पे लगा देते हैं, ऐसा हुआ था। मगर मैं क्वालिटी डिपार्टमेंट में कर रहा था, तो मैं कुछ मेरी डिपार्टमेंट से बहसबाजी हो गई, तो जॉब छूट गई मेरी। तो बहुत बढ़िया हो गया ना। फिर मैं दूसरी जगह गया, तो मान के एक्सपीरियंस, उन्होंने कि इस चीज़ का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। वो कह रहे थे कि ये था कि सेम चीज़ में जाना पड़ेगा। फ्रिज की कंपनी थी, तो अगर फ्रिज की कंपनी में काम आएगा, तो फिर मेरा थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हुआ। फिर मैंने सोचा कि प्राइवेट में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। फिर मैंने 2-3 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की अच्छे से, फिर उसमें नहीं हुआ, कुछ नंबरों से रह गया। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि स्किल हो, एक जगह से जहाँ से दूसरी जगह जाने से कुछ वैल्यू बढ़े हमारी, स्किल ऐड हो। तो फिर मैंने आपका एडवर्टाइजमेंट देखो, फिर यहाँ आया मैं। तो अभी कैसा, मतलब पिछले 10-15 दिन में कैसा, मतलब कैसा फील कर रहे हो अपने आप में? ये कॉन्फिडेंस आया, जैसे कि कुछ टेक्निकल नॉलेज है, स्किल आई है। तो ये होता है कि जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो एक्सपीरियंस काम आएगा, अच्छा लग रहा है। तो जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या बोलोगे कि प्रोडक्शन के लिए क्या आपका उनके लिए रहेगा, जिन लोगों ने ITI डिप्लोमा, जो टेक्निकल से हैं उन लोगों को? कहने का मतलब कि उन्हें टेक्निकल में ही जाना चाहिए, कुछ ऐसे स्किल गेन करनी चाहिए कि जो दूसरी जगह जाके वैल्यू हो। प्रोडक्शन हुआ, क्वालिटी हुआ, तो उसमें दिक्कतें आती हैं, आगे चल के ग्रोथ कम हो पाती है, या फिर स्विच करने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, ना के बराबर। देखो क्या होता है कि हर जगह ना कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं, और वे ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट पे जाना कुछ गलत है, ऐसा कुछ है। बट उसको ये, जैसे इन्होंने कहा कि जी फ्रिज की कंपनी में, मैं फ्रिज में था तो फ्रिज की कंपनी में ही जॉब मिलेगी। मैं फोन के कंपोनेंट की कर रहा हूँ, एक डिस्प्ले को चेक कर रहा हूँ, तो मैं जो उसी कंपनी में, उसी तरह की कंपनी में जा सकता हूँ। अलग अलग कंपनी में सिस्टम भी अलग अलग हो जाता है, तो आपका एक्सपीरियंस कहीं काउंट नहीं होगा। तो देखो हर बंदे से, देखो उनसे एक अच्छी लर्निंग है, जो लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया, आप लोगों के लिए तो लर्निंग डिफरेंट होगी। जो देख रहे हैं ना, उनके लिए कि लर्निंग क्या है कि आपकी लाइफ ना प्रोडक्शन में नहीं है यार। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर क्वालिटी में हूँ मैं भाई, क्वालिटी में उनको समझाते हैं, उनको लगता है नहीं नहीं इसको तो भाई, जैसे बच्चे फ़ोन करते हैं उनको भाई कन्विंस करने की कोशिश करना है, भाई ठीक है बच्चा सही रहा पर आ जाए, उसको लगता नहीं नहीं ये तो मेरे नुकसान की बात कर रहा है। किसी को बोला लगे, अरे सर कितना पैसा दोगे ट्रेनिंग का? भाई हम तो लेते हैं, ओके मैं बताता हूँ। तो उस बच्चे को लगता है अरे नहीं हम, मैं एहसान कर रहा हूँ किसी, भाई अगर अब मेरी अपनी लाइफ बदलनी है ना, तो जो देखिए नहीं तो फ्री में हमें कहीं कुछ नहीं मिलता, हम सोचे ना फ्री में हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, तो फ्री के पीछे बहुत कुछ ना कुछ रहता ही है। दूसरी चीज़ है कि हम सोचे अरे हम सीख लेंगे, तो आप लोग जहाँ जाओगे ना वो वही होंगे जो तो बेचारों को चाहे तो पता ही नहीं था उस दौरान, तो वो सिखाते भी नहीं है, सिखाना भी नहीं चाहते हैं कि हमसे आगे निकल के सीख भी क्या लेंगे यार। एक फैक्ट्री है वहां पर कुछ बन रहा है, तो वहां क्या सीख सकते हैं? मेरे हिसाब से कुछ ऐसा है भी नहीं। जैसे कहते हैं ऑटोमेशन, भाई ऑटोमेशन में ना 20 तरह के सेंसर लगे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम आई वो सेंसर भाई देख लिया, खराब हो गया PLC पे दिख जाता है यहाँ टकरा है भाई, जाके उसको चेंज कर दिया। ठीक है,
तो बहुत बड़ा सिस्टम भी नहीं है, बट जो आप लोग कर रहे हो ना, घुस रहे हो इसमें, बहुत बड़ा सिस्टम है। और पीएलसी में भी आप लोगों को घुसना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ ना कुछ हुई पीएलसी की आप लोगों को? अभी नहीं हुई है। तो पीएलसी का आप लोगों को क्या करेंगे कि जैसे ही आप लोगों की जॉब वॉब भी लग जाएगी ना, आप लोगों को हम एक्सेस दे देंगे दोबारा से सेंटर पे, अपने सेंटर पे एक्सेस दे देंगे, आप आराम से आएंगे, पीएलसी सीखो फ्री में, ठीक है। आप लोगों का बेसिक था, अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा भी सीखना है ना, तो वो भी हम परमिशन दे देंगे। आप आओ, देखो, समझो और चिल करो। स्किल्ड हिंदुस्तान ऑटोमेशन चैनल किस किस ने सब्सक्राइब किया हुआ है? सर ने कराया था क्या? तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं यार जो सीखने को मिलती हैं अपने भाई। रिले है वो कैसे काम करती है, कौन सी चीज क्या होगी, सेंसर क्या है, कैसे कनेक्शन करें, बहुत सारी चीजें। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। मेरा नाम सुहान मलिक है, मैं बिहार के जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भोपाल से, मैं 23 का पास आउट हूँ। और मैंने सर यूट्यूब चला रहा था, तो यूट्यूब पे आपका वीडियो आया, तो उस वीडियो को मैंने देखा, तो उसके ज़रिए मैंने 3-4 वीडियो और देखा, तो हमारे अंदर इंटरेस्ट आया कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो मैंने सर से बात किया, तो सर बोले कि बताएं कि 1 तारीख, 10 तारीख और 20 तारीख से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। तो मैंने यहाँ आके ज्वाइन किया। तो कैसा लग रहा है अभी? जी सर, यहाँ आके तो जैसा यूट्यूब पे बताया जा रहा था वो यहाँ भी रियल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूट्यूब पे कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, सेम है सर। तो जब ज्वाइन कर रहे थे तो माइंड में कन्फ्यूजन थे कि क्या करूँ, ज्वाइन करूँ नहीं करूँ, कैसा होगा? नहीं सर, यूट्यूब पे इतना वीडियो मैंने देखा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि यहाँ आने के बाद हमारे को कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कोई फ्रॉडगिरी नहीं है, यहाँ यहाँ जाना चाहिए। कितने ऐसे दोस्त हैं जिनके पास जॉब नहीं है, अभी घूम रहे हैं? कुछ कुछ लोग तो जॉब कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बैठे हैं। किसी को इन्फॉर्म किया आपने कि आपने स्किल्ड हिंदुस्तान ज्वाइन किया है? तो इस लाइन के कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो बैठे हैं। ओके जी सर। टेक्निकल से नहीं है? टेक्निकल से नहीं है। तो कॉलेज के सभी का हो गया? हाँ, वो लोग जो हमारे साथ पास आउट हुए थे वो लोग कर रहे हैं। ओके। सिर्फ हम प्रोडक्शन में कर रहे हैं या टेक्निकल? टेक्निकल में कर रहे हैं सर। बहुत बढ़िया है जी सर। तो जो देख रहे हैं अभी, हम उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे कुछ? जी सर, जो देख रहे हैं उनको तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ आए और आके उनको सीखना चाहिए, और अपने अंदर क्या कॉन्फिडेंस होता है वो यहाँ आके पता चलेगा, और कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए अपने अंदर। कब के पास आउट हुआ? मैं 23 का। अभी के पास? यस सर। तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया है कि आपने बहुत टाइम से अपने डिसीजन लिया इस चीज़ के बारे में। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा नाम सोनू है और मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ सर। गोपालगंज के तो बहुत सारे बच्चे? यस सर, बहुत। गोपालगंज में स्किल्ड हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा दिख रहा है। मैं तो कहूँगा सर आप वहाँ एक ब्रांच खोल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरा, मैं ITI किया हूँ इलेक्ट्रीशियन से, और मेरा पास आउट सर सेशन मेरा 15-17 है। 15-17 के बाद सर मैंने कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी, और उसके बाद थोड़ा बैकग्राउंड ख़राब होने के चलते मैं सोचा जॉब कहीं करते हैं, तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए मैंने जॉब किया है और कई जगहों पर गया भी है, जहाँ एक्सपीरियंस कम होने के चलते काम किया भी है, असिस्टेंट में भी काम किया है और इलेक्ट्रिशियन में भी काम किया है। तो मैं यही सोच रहा था थोड़ा अच्छा नॉलेज हो तो अच्छी जगह जॉब मिलेगी, और कंस्ट्रक्शन लाइन का तो है ही, सब जानते हैं कैसे काम होता है। तो इसी को मतलब मैं देखते देखते एक हुंडई का कंपनी यहाँ पे गुड़गांव में बन रहा था, तो मैं 2019 में वहाँ पे आया था। 2019 में आया तो मैं ज्वाइन किया था, तो उस टाइम फिटर से मैंने वैसे तो मेरा हेल्पर से ज्वाइन हुआ था वहाँ पे। जब मैं ज्वाइन किया था 2019 में, तो वहाँ मैंने काम करते 2 महीने तक काम किए थे, तो उसके बाद से वहाँ मैंने फिटर का डिग्नेशन मिल गया था, मैंने फिटर से काम किया उस टाइम। तो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट ना मिला था, तो मैंने वही काम किया था, चलो भाई कुछ नहीं तो कुछ तो किया जाए। तो उसके बाद फिर वो साइट ख़त्म हुआ, तो फिर उसका फेज 2 स्टार्ट हुआ था 2021 में। तो स्टार्टिंग में संपर्क था वहाँ पर, तो मैं चला गया था, तो वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन से जॉब मैंने किया, मेंटेनेंस का भी और BMS में भी वर्क किया है मैंने। तो कॉन्फिडेंस या फिर टेक्निकल स्किल्स और पैनल वगैरह हो गए और बहुत सारे चीज़ें DG वगैरह का, तो उसका नॉलेज बहुत अच्छा नहीं था। तो मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब पे, तो मैं देखा आपका वीडियो स्किल हिंदुस्तान का, अच्छे अच्छे आ रहे थे, तो मेरे को इंटरेस्ट जगा और मैंने देखना स्टार्ट किया। तो उसमें ये लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसा है जो मैंने कुछ लूज किया है, तो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मुझे नहीं है, वो मेरे पास आ सकती हैं। तो
तो अभी तो साइट सर ऑलमोस्ट फिनिश है, तो मैं जब मेरे को टाइम मिला तो मैं यहाँ पे आया हूँ और सीख रहा हूँ सर। टेक्निकल में क्या क्या काम किया आपने सर? वहाँ पे सर कंस्ट्रक्शन मेन चीज़ होती है सर डिस्ट्रीब्यूशन की, वहाँ पे जो जो अपने मशीनें लगी होती है उसको चलाना, और अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको दूर करना। और सर 6-7 महीने में मैंने डिग्नेशन वहाँ पे चेंज किया था BMS का, तो BMS में मैंने सर स्टार्टर्स किए, HU वगैरह किए, HU में भी वर्क किया है, और मैंने काफ़ी जगह सर वो भी लगे हैं, क्या HVAC में चिलर अपने जनरेटर लगे होते हैं, हॉट जनरेटर लगे होते हैं, BFD लगे होते हैं, कूलर वगैरह सब लगे होते हैं, तो काफ़ी चीज़ देखी। तो आपका वीडियो मैंने देखा था, तो मैं सोचा कि अच्छी नॉलेज यहाँ पर डीपली मिल रही है, यहाँ तो हवा हवा में उड़ जाती है, बस ऐसे देखते हैं कि हाँ ये काम कर रही है बस और ऐसे करती है, यहाँ पर सर डीपली होती है, मैं सोचा एक बार ज्वाइन करते हैं फिर। तो अभी आपकी क्या होगी पहली पोजीशन, किस पोजीशन पर ज्वाइन करना चाहोगे सर? अभी तो सोच रहे हैं सर सुपरवाइजर पे ही पहले सोचा मैंने, अभी जैसे मेरा भी जैसे जो आपने बताया ना, तो मेरे हिसाब से आपको सुपरवाइजर के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इनसे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यस सर, वैसे एक्सपीरियंस सर मैं जहाँ तक सोचता हूँ सर कि ये पैनल्स हैं STLT ट्रांसफार्मर हो गए सर, डिजिस थोड़ा सा सब दूर हो जाएगा, और स्टार्टर्स वगैरह हो गए, इस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है क्योंकि मैंने इंडस्ट्री में देखा है इसका ही ज़्यादा यूज है। ओके यस सर, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा थोड़ा फोकस करता हूँ। तो कोई इशू नहीं है आपको, सबसे पहले सुपरवाइजर के लिए माइंड को प्रिपेयर करना है, सुपरवाइजर में जा सकते हो बहुत आराम से। यस सर, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। इसमें लाइट जल रही है ना कि? यस सर, जल रही है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित कुमार फ्रॉम भागलपुर बिहार। आई हैव कंप्लीटेड माय BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम बिजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी उड़ीसा इन 2015। I come to know about Skill Hindustan from my friend Dinesh. He suggested me to join and improve some skill, technical skill. So I come here. तो आपका जो friend है उसने पहले यहाँ join किया था? Okay, इन्होंने आपको बताया। तो फिर दोनों ने, दोस्तों ने सोचा कि चलो अभी finally चलते हैं। तो दोस्त का सजेशन कैसा, इसको रूम पे लेके गिरा के पीटने वाला है या गले लगाने वाला है? एक्चुअली सर मैं प्रिपरेशन कर रहा था गवर्नमेंट जॉब की, तो वो उस तरह से मतलब हो नहीं रही है जो चाहिए मुझे, वो मिल नहीं रही है। तो इन्होंने कहा कि जब इतना ये जाके देख लेते हैं, जॉब की बात तो दूर है, पहले वहाँ देख लेते हैं क्या है नहीं है, कुछ सीखते हैं वहाँ जाके, इसलिए सर इनके साथ आ गया मैं। तो दोस्त का सजेशन अच्छा लगा क्या? अभी तक तो अच्छा है। देखो क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट प्रिपरेशन है, ऐसा नहीं है कि भाई जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, प्रिपरेशन के लिए थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। यस, और सब लोग मेहनत करने के लिए तैयार भी हैं, बट हम जॉब करते करते अपने स्किल को आगे बढ़ाते बढ़ाते भी कर सकते हैं। प्रिपरेशन एक ऐसा स्टेज पे कभी चला जाता है ना सर कि प्रीलिम्स निकल गया, मेन नहीं निकल रहा है, सेम थिंग, टाइम लगता है। तो मेरा यही मतलब सजेशन था कि अगर सीख के कुछ मतलब हल्के फुल्के पॉकेट मनी के टाइप से भी एक जॉब रहे ना, तो माइंड जब इंडिपेंडेंट होगा ना तो और कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो ये इनका प्रिपरेशन और थोड़ा आगे बढ़ेगा, आराम से साइड बाय साइड ये भी चलता रहेगा, ड्यूटी भी चलता रहेगा, तो एक अच्छा जॉब क्रैक करने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो यही इनको सजेस्ट किए, तो इनको बोले कि नहीं चलते हैं, ठीक है देखते हैं, फिर उसके बाद ऐसा होगा। देखो मैं क्या कहता हूँ, ठीक है भैया हम किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एक महीना रखा छोड़ दो जॉब को, हम बैठे हैं ना दूसरी जॉब दिलाने के लिए, हम कह रहे हैं छोड़ दो जॉब को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, अब पूरा टाइम देना, हर रोज आप 3-4 घंटे देते हो, ये जॉब ना ऐसी नहीं है कि प्रोडक्शन जैसी, बंदे लोगे रहना और 24 घंटे कल भी चिल है, LP वाली फॉर्म थी ये भर रहे थे, तो अच्छा है भरते रहना, इसको भी करते रहना, बिल्कुल ऐसे ही तो हो रहा है जनरली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग देख रहे हैं दोस्त उनको मैं यही मैसेज दूंगा कि आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, फिर भी आप कुछ सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रिपरेशन वहाँ से भी हो सकता है। कई बच्चे हैं भाई 8 साल हो गए, 6 साल हो गए, इवन 10-10 साल लोगों के ना इस तरह डिस्ट्रो हो गए, क्या उसने मेहनत नहीं की 10 साल वाले ने? भाई जॉब कितनी है, एक जॉब के पीछे 100 बंदे लगे हुए हैं, बल्कि 200 लगे हुए हैं, 500 लगे हुए हैं एक जॉब के पीछे, तो यार उन 500 में 100 में क्या कोई कम ताकत से लगा हुआ है? होना सिर्फ एक का, लास्ट में यही टेंशन कि मेरा लेट हो गया, मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, इसके वजह से इंसान फाइनल मेन में हट जाता है। बिल्कुल, ये टेंशन एक बार हटेगा तो इंसान फ्रीट मारेगा तो ठीक होगा। हाँ ठीक है यार, मेरे को यहाँ 20,000-25,000 मिल रहे हैं, नहीं मिलेगा तो कोई नहीं, वहाँ तो है बट मैं अपना लगा देता हूँ, फिर मैं इंटरव्यू ठीक निकलेगा। जहाँ डिप्रेशन में इंटरव्यू में बैठे तो वो गया भी, फिर तो नहीं होने वाला। बिल्कुल ये सेम चीज ना यहाँ पर भी आप लोगों को बताई जाएगी कि जब इंटरव्यू जाएंगे ना चिल होकर जाना, यार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ रहा है,
होगा तो ठीक है, अगर आप नर्वस रहते हैं ना तो समझो कि चीज़ें गड़बड़ हैं। यस। तो नर्वस नहीं होना है हमें बिल्कुल भी, चिल रहना है। यस। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। और आपका जो डिसीजन है ना आपके, तो आप दोनों का, वो बहुत ही परफेक्ट है। आपके दोस्त ने आपको बहुत अच्छी चीज़ रिकमेंड की है। वो तो सर मैं आ गया था इनके साथ कि चलो ऐसे ही घर में, तो अलग कुछ नहीं कि ट्रेनिंग के लिए जा रहा, बस आ गया इनके साथ। बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग सर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दिनेश कुमार भगत, आई एम फ्रॉम धनबाद झारखंड। आई एम एक्चुअली सर एक हमारा कहानी थोड़ा ज़्यादा घुमावदार है सर, है ना। क्वालिफिकेशन में तो हमारा एमटेक तक है। ओके। जो कि 18-19 पास आउट है। तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से इंटर्न सेला जो एक है हमारा पोर्टल, इंटर्न सेला से एक T2MIP करके जर्मन बेस्ड सेमीकंडक्टर कंपनी है, जर्मनी की थी वो मल्टीनेशनल। तो उसमें मेरे को एज अ टेक्निकल मार्केटिंग इंजीनियर डेजिग्नेशन पे यो इंटर्नशिप पे रखा गया। तो उसकी ऑफिस यहीं गुड़गांव में है शायद कहीं। तो इंटर्नशिप उस समय कोरोना टाइम चल रहा था, तो वहाँ से मेरा जॉब चल रहा था। 6 महीने का था इंटर्नशिप, लेकिन इंटर्नशिप 6 महीना 5 महीना कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ है, किसी तरह कुछ ऐसा हुआ, पापा का एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस हुआ, उनको लेके हम बेलोर चले गए। उनके ट्रीटमेंट में ज़्यादा टाइम लग गया, तो ये लोग फिर लास्ट में बोलने लगे कि नहीं तुम लीव से ज़्यादा टाइम ले लिए तो तुम्हारा रिपोर्टिंग कैंसिल करते हैं गुड़गांव, तुम्हारा मतलब फाइनल रिपोर्टिंग नहीं होगा। वो इंटर्नशिप के बाद जॉब कन्वर्ट नहीं हो पाया गुड़गांव में आके, तो वो क्विट हो गया। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मेरे को एक ऑप्शन मिला, वो NTPC सुंदरगढ़ उड़ीसा की है, वहाँ पे सुपरवाइज़र के लिए मेरे को ऑफर किया गया। प्रॉब्लम ये था कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में इंसान बोलता है कि चलो भाई ठीक है बाद में चेंज कर लेंगे। वहाँ से स्टार्ट तो कर दिए, वहाँ से स्टार्ट करने के बाद क्या होता है कि जॉब जल्दी चेंज नहीं हो पाता जॉब स्टार्ट होने से। वहाँ 1-1.5 साल जॉब ऐसे ही चलते रहा सुपरवाइज़र के तौर पर, और बस एक डेजिग्नेशन के लिए सुपरवाइजर डाला गया था, लेकिन वहाँ सेफ्टी का काम, स्टोर का काम, ऑफिशियल काम सारा देखते थे। इंचार्ज मेरे को सारा सिस्टम का भी ID पासवर्ड दे के रखे थे, सारा कुछ करते थे। लेकिन प्रॉब्लम बस दिल में एक ही था कि फील्ड तो अपना नहीं है। वो लोग बोले भी कि ये साइट अब जो है ना वो वाला साइट ऑलमोस्ट क्लोज है सर, अब वो लोग फ्रेश साइट छत्तीसगढ़ में स्टार्ट करेंगे। तो बोले कि वहाँ पे तुम्हारा साइट इंजीनियर का कन्फर्म है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस मन में एक ही बात कि फील्ड तो अपना नहीं है, कब तक भागेंगे अपने फील्ड से। तो फिर इसी बीच हम देखते भी रहते थे थोड़ा अपना बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल का, तो देखते देखते ये आपका स्किल्ड हिंदुस्तान का दिखा कि काफ़ी कुछ टेक्निकल चीज़ है जो प्रैक्टिकली बताया जा रहा है। अच्छा थियोरेटिकली तो सारा चीज़ हम लोग पढ़े हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखने से थोड़ा इंटरेस्ट आया। तो फिर हम बोले कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि साइट भी क्लोज है, अगला साइट स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। अरे उधर जो भी हो अभी लीव लेके क्या करते हैं, ये 1 महीने का कोर्स कर लेते हैं 2.0, प्रैक्टिकली होगा, सब कुछ होगा, अगर यहाँ से एक बेटर स्टार्ट मिले तो फिर इलेक्ट्रिकल के लाइन में मूव किया जा सकता है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो फिर उसी विश्वास के साथ, लेकिन जो भी हो वीडियो देखने से कभी ऐसा नहीं लगा कि ये वीडियो फ्रॉड है, वहाँ जाने से पैसा ठगी हो जाएगा। नहीं, टू बी फ्रैंक अगर बताया तो कभी ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वीडियो में भी आप लोग का जेन्युइनिटी दिखता है, जो चीज़ है वो जेन्युइन दिखता है। तो फिर फाइनली हम डिसाइड किए कि मेरे को आना है। उसी बीच फिर इनको भी कनेक्ट किए, इनको मतलब प्रेशर हम नहीं कर रहे थे, बोले कि बस देख लीजिए जाके ट्रेनिंग के लिए। तो फिर इनका भी माइंड चेंज हुआ, तो दोनों जन हम लोग पटना से एक ही साथ निकले, उड़ीसा से पहले पटना गए इनके पास, फिर दोनों जन इधर आए। कोर्स स्टार्ट हुआ, जो प्रैक्टिकल जो भी चीज़ स्टार्ट हुआ सारा काफ़ी अच्छा लगा। कॉन्ट्रेक्टर का एक्शन हुआ, DG CG हुआ, LT वगैरह भी पढ़ाई हो रहा है, विजिट भी हो रहा है, विजिट बहुत अच्छा, विजिट मेरे को स्पेसिफिकली अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छा से डिस्क्राइब किया जा रहा है चीज़ को, टाइमिंग भी सफिशेंट मिल रहा है। तो ऑल होल एंड सोल एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बस एक बड़ा डिसीजन लिया है कि एक सेटल्ड लाइन छोड़ के, जो कि एक अलग लाइन था कंस्ट्रक्शन का, उसको छोड़ के इलेक्ट्रिकल में मूव करना है। उधर आपको सर सैलरी क्या पे कर रही? वहाँ पे था ऑल 25 था, और वो लोग रहना देते थे, खाने का खुद का था, 25 दे के रहना भी देते थे, PAPSIC अलग से देते थे। देखो अगर आप मेहनत करोगे ना, सिर्फ 6 महीने के अंदर ही 25 से ऊपर चले जाओगे आप, आराम से 25 से 30 के बीच में आराम से जा सकते हो। एज ए इंजीनियर भी आप वर्क कर सकते हो, क्योंकि देखो एक इंजीनियर के लिए ना दो तरह की चीज़ें होती हैं। मैंने क्या बताया कि यहाँ पर ना जो ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ना, लर्निंग को मिलेगा। पहली चीज़ है टेक्निकल, दूसरी चीज़ है मैनेजमेंट। तो इन्होंने जो काम किया है ना मैनेजमेंट में, जो इनको आगे जरूरत होने वाली है वो कुछ ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये समझो कि एक आगे वाली सीढ़ी ये चढ़ चुके हैं पहले ही ऑलरेडी।
अभी पूरा साइट में ना सर इंचार्ज कोई भी नहीं रहता, पूरा साइट छोड़ के वो लोग चले जाते हैं, टोटल मैन पावर प्रोजेक्ट हैंडलिंग सारा कुछ कर ही थे, बस यही फील्ड स्विच करना है मेरे को। ये टू बी फ्रैंक आपको यही बता रहे हैं कि बस फील्ड स्विच करने के लिए बहुत उम्मीद से यहाँ आए हैं। क्या बोला कि देखो 25,000 अपना बहुत कम पैसा ले रहे थे, बहुत ही कम पैसा ले रहे थे, एक एमटेक वाला बंदा यार क्या होता 25,000 रुपए कुछ नहीं होता। यहाँ पर ना आप आसमान छू सकते हो और 100% छू सकते हो, आपका पर्सनैलिटी सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है, और एक बहुत जल्दी बहुत अच्छे आप चैनल पर बहुत अच्छे पॉइंट पर पहुंच सकते हो, आपका कम्युनिकेशन इंग्लिश वगैरह भी अच्छा है, मेरे हिसाब से मेल वेल भी आप सही लिख लेते होगे। तो जो इंजीनियर में ना जो नॉलेज है आपको अभी मिल जाएगी, सुपरवाइजर पर जब आप काम करोगे ना, मेरे हिसाब से सबसे पहली जॉब आपके सुपरवाइजर में ही लेनी चाहिए, ठीक है। बट आपको लगता है कि नहीं यार एक महीना मैं एमएसटी में कर लेता हूँ तो कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक या दो महीना, ये अपने आप को ये मत सोचना यार मैं ऐसा हूँ ऐसा कर रहा हूँ। और जब भी आप वहाँ लगाएंगे ना एमटेक नहीं दिखाना है, नहीं नहीं वही जो भी है भाई, आपको अपना बीटेक ही दिखाना है कि मैंने बीटेक ही किया है। एमटेक जब हम इंजीनियर की पोजीशन पर जाएंगे ना फिर लिखेंगे जी हम एमटेक भी हैं, क्योंकि कई जगह कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, तो यार एमटेक वाला ये तो करेगा ही नहीं, तो ऐसे ही भाग जाएगा, तो उस हिसाब से सामने वाला सोचता है, ये सच्चाई है। वो तो जो फर्स्ट फेज हमारा चल रहा था इंटर्न सेला वाला, वही एक्सीडेंट नहीं हुआ रहा था तो आज टेक्निकल मार्केटिंग से कहाँ पहुँच के कहाँ पहुँचे रहते, लेकिन कभी कभी लाइफ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलती। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, ऊपर वाले ने ना सब के लिए कुछ ना कुछ सेट किया हुआ है, और क्या पता आपके लिए उससे भी कहीं बेटर हो सर। वहाँ पर आप सपोज 1,00,000 रुपये तक मैक्सिमम पहुँच सकते हो, यहाँ क्या आप 2-3 लाख रुपये तक पहुँच जाओ। एम टेक एक अच्छी डिग्री है और आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर वो चीज़ें अच्छी हो जाती है ना तो आगे बहुत स्कोप है, फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर बहुत मतलब बहुत अंधा स्कोप है, ठीक है। तो चिल रहना है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। यस सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं बिहार के रहने वाला अरवल डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। मैं इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया हूँ सर। एक्चुअली है कि मैं जब डिप्लोमा पास आउट हुआ 14 में तो मैं गवर्नमेंट प्रिपरेशन का तैयारी करने लगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्त गवर्नमेंट प्रिपरेशन करने लगे। तो एक्चुअली उसमें क्या है कि मैंने किया गवर्नमेंट प्रिपरेशन, तो एएलपी का फॉर्म उस समय आया था 15 में, तो मैंने भरा तो सर फर्स्ट पेपर निकल गया मेरा, सेकंड पेपर भी निकल गया, और साइको हुआ साइको भी निकल गई मेरी। तो क्या हुआ कि फिर मेरिट लिस्ट में मैं छट गया, बाकी मेरे दोस्त के 2-3 के हो गए। तो क्या हुआ कि फिर मुझे लगा कि अरे अब अगला बार करेंगे तो फिर शायद हो जाएगा। ऐसे करते करते मुझे 4-5 साल हो गए सर। तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि यार अब तो नहीं हो पाएगा, तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि यार मुझे जॉब लगवा दे। तो उसने बोला कि ठीक है, एक लड़का मेरा दोस्त है तो बोला टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रहा था, तो मैं वहाँ पे उससे बोला तो बोला कि ठीक है आ जाओ, एक वैकेंट सीट है तो कर लेते हैं। तो उसने मुझे एक इंजीनियर पोस्ट था मतलब क्या था टेलीकॉम सेक्टर में फील्ड का जॉब था, तो उसने बोला कि ठीक है आ जाओ एक फील्ड वाला जॉब है जाके वहाँ पर तुम ज्वाइन कर लेना और फिर कर लेना वहाँ। तो फिर मैंने चला गया सर वहाँ पे औरंगाबाद, उसने मुझे ज्वाइन करवा दिया और फिर फील्ड इंजीनियर मैं बन गया वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे काम करने लगा, काम करते करते मुझे एक 1.5-2 साल हो गया। किस तरह काम होता था फील्ड इंजीनियर का एग्जैक्टली? सर फील्ड इंजीनियर का था मेंटेनेंस का काम था, जो उसमें UBR लगा होता ना, UBR जो HFCL का होता है, C5XO का, 440 का होता है, जो ऊपर सर जो लिंक मिलता है एक टावर से दूसरे टावर का लिंक मिलता है, वो लिंक जब डिस्टर्ब हो जाता था तो मुझे जाना होता था और लैपटॉप से मतलब इन करके कुछ नीप उप डालना होता है, नीप उप डाल के वहाँ फिर लिंक मिलाया जाता है सर, एक टावर से दूसरे टावर का लिंक मिला के फिर अपना वाईफाई जो लगा रहता है जो मतलब अर्बन एरिया होती है उसमें वाईफाई बहुत सारा लगता है जो लोगों को पहुँचती है वाईफाई, उससे वो सब लिंक के काम हम करते थे सर। और कुछ DG वगैरह भी रखा रहता था और पैनल भी गिरा था, उस सब का भी थोड़ा थोड़ा मुझे देखना होता था सारा चीज़ का। तो फिर वहाँ किया, फिर आपका वीडियो उसी समय देखते रहते थे सर, देखते मैं सोच रहा कि अब जाऊँ कब जाऊँ। फिर क्या हुआ कि आपसे बात भी बीच में हुई थी तो हमने बोला सर आ जाऊँ, तो आपने बोला कि चलो ठीक है आ जाओ आप, मैं आपको जॉब दिलवा दूँगा। तो मैं क्या किया फिर वहाँ से मतलब जॉब को क्विट कर दिया, फिर ये अभी ज्वाइन कर लिया सर। तो वहाँ कितनी सैलरी मिली थी आपको? वहाँ सर मेरा CTC 24,000 था और 19,328 रुपये मतलब इन हैंड मिलता थी सर। घूमने का बहुत ज़्यादा जॉब था? हाँ सर, बाइक से घूमना पड़ता था मुझे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर जो जॉब होगी ना आपकी बहुत चिल टाइप की जॉब होगी, भाई आराम से हमें एक ही साइड पर रहेंगे, एक ही साइड पर काम करेंगे, ग्रोथ के चांसेस भी बहुत रहेंगे और
बहुत जल्दी बहुत अच्छे आउटकम मिलने लग जाएंगे। ओके सर, ठीक है। इन चीज़ों के लिए मैंने पहले भी बोला कि सबसे पहले आपको अपने आप पे फेथ करना होगा जी, जो लर्निंग है उसको बढ़िया तरीके से करना होगा। देखो आप में से ही कई बच्चे वैसे होंगे, अरे ठीक है यार कर रहे हैं लग जाएगी जॉब, ठीक हो जाएगा, बट कई लोग काफ़ी सीरियस हो गए, नहीं यार मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए, ये चाहिए, उसके माइंड में थोड़ा सा पिन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे टेंशन लेनी है उस चीज़ की, बट मुझे ये पता होना चाहिए भाई मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, आंखों पर पट्टी नहीं बांध रखी है, मैं आंखें खोल के जा रहा हूँ, मुझे दिख रहा है रास्ता। जी जी, कुछ लोग आंखों में पट्टी बांध के रखते हैं, अरे ठीक है यार चल रहे हैं यार पहुंच जाएंगे यार, एक दो ठोकरी तो लगेगी। जी जी, भाई क्यों खानी है हमें ठोकर यार। तो आपको क्या करना, अपने आप पर फेथ रखना है, जो आपके सामने वाला उस पर फेथ रखना है, और अपना एम देख के तीर चला देना है, वो लगेगा लक्ष्य के ऊपर। आंखों पर पट्टी बांध के तो भैया क्या आपका कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। जी, तो आप यहाँ पर आए हैं, अपने भाई फेथ किया है और अब लर्न कर रहे हैं काफ़ी कुछ, तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छा मिलेगा जी। तो जो देख रहे हैं उनको क्या कोई मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि जो मतलब नॉन टेक्निकल में काम कर रहे हैं, जैसे मतलब टेक्निकल आप मतलब ले रखे हैं डिग्री चाहे डिप्लोमा कोई भी आईटीआई है, तो आप नॉन टेक्निकल में अगर लगे हैं तो फिर आप अपना स्किल हिंदुस्तान में आइए, स्किल सीखिए, और स्किल सीखने के बाद क्या है सर कि अपना टेक्निकल लाइन में लगोगे तो क्या कि डे टू डे आप ग्रोथ करोगे और एक अच्छा पोजीशन हासिल करोगे, तो आपकी क्या होगी कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, आप अपने आप में फेथफुल करोगे और मतलब समाज में भी आपको लोग देखेंगे कि नहीं बंदा अच्छा पैसा कमा रहा है, ठीक ढंग से रह रहा है, खा पी रहा है, चल रहा है बढ़िया से। शादी हो गई है? जी शादी हो गई जी। मैं डिप्लोमा कर रहा था उसी समय सर शादी कर लिया मैंने। अभी कितने बच्चे वगैरह? एक बच्चे हैं जी। देखो आपको तो और थोड़ा सा और शादी वाले कितने हैं अभी इसमें? दो लोग हुआ इधर वाले की भी तुम्हारे की तो दो लोग भाई शादी वाले हो, आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना है भाई। देखो घर वाली अभी गांव में है तो भाई इतना लिपस्टिक की डिमांड नहीं कर रही है, इतनी क्रीम पाउडर की डिमांड नहीं कर रही है, सर, क्या बच्चे की डिमांड भी उतनी नहीं हो रही होगी, जब डिमांड बढ़ेगी ना तो मुश्किल हो जाएगी। क्या सर मेरा शादी जो हुआ है ना सर, तो एक्चुअली हम लोग दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, तो लव मैरिज है? लव मैरिज सर है। तो हमने मतलब घर पे बोला शायद मतलब डिप्लोमा करने के पास आउट के बाद, तो घर वाले फिर धीरे धीरे तैयार हो गए तो शादी कर लिए, तो फिर मैंने पटना में प्रिपरेशन करने लगा, वो भी प्रिपरेशन करने लगी, तो क्या हुआ कि उसका जॉब लग गया तो जॉब लग गया तो हम लोग कुछ साल दिल्ली में रहे, दिल्ली में आके सेक्टर 17 रोहिणी में। तो एक्चुअली क्या है कि धीरे धीरे क्या हुआ कि हम दोनों में थोड़ा सा यू होने लगा सर, मनमुटाव होने लगा, और जॉब करने लगी तो मनमुटाव होने लगा, तो फिर उसने बोला कि भाई तुम आप जॉब नहीं करते हो, ये करते हो करते हो, तो फिर मैंने भी वो कहा कि भाई ठीक है तुम जॉब करते हो करो, अभी सर मेट्रो में जॉब करती है वो। ओके जी, कितनी सैलरी मिलती है उसको? उसकी सर अभी 69 ऐसी कुछ बोल रही थी टेक होम। हाँ सर, तो अगर भाई आप मेहनत करोगे ना, आपका क्या डिप्लोमा बीटेक है? डिप्लोमा सर। तो दो साल के अंदर अंदर ना आप अगर मतलब जी जान लगाते तो उससे ऊपर सैलरी आप कमा सकते। अभी सर कुछ घर ली है द्वारिका में, तो द्वारिका में घर ली तो बोल रही थी कि देख लो मैंने कमाया तो इतना का घर ले लिया, तू क्या कर रखा है अभी नहीं चीज़ें होती हैं कोई नहीं यार, देखो मैं क्या कहता हूँ हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो आपका भी देखो अब आप सही जगह पर हो और आपका भी अच्छा टाइम आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ और पूरी कोशिश करूँगा भाई कि आपके लिए जो हो सकेगा ना वो मैं बेस्ट करने की कोशिश। तो फिर मैं बीच में डिप्रेशन में चल गया था सर, कि उसने मुझे बहुत सारा सुना दिया बात कि तुम इतना साल हो गया कुछ नहीं, वो लन पर बहुत सारा बात सुना दी, तो फिर मैंने उसे बोला तू अलग रह जा, मैं अलग रहता हूँ, फिर मैं मतलब उसके साथ अभी नहीं रह रहा हूँ। कोई नहीं दोस्त, देखो फैमिली है, प्रॉब्लम्स रहती हैं, सब कुछ होता है, बट एक अच्छी फैमिली मैं उसको बोलता हूँ जो बैल मेंटेन करके रखती है। सपोज उसकी जॉब नहीं लगी होती और आपकी जॉब लगी रहती तो वो चीज़ें आप नहीं बोल रहे होते, नो कुछ नहीं होता, बट कोई नहीं यार देखो जो हुआ उसको छोड़ो, और अभी एक ना आप एक अच्छी जगह आप आ गए हो, आपको 30-35 हज़ार तक ना मैं अगर आप मेहनत करोगे तो मैं कहता हूँ एक साल में आप 35-40 हज़ार तक पहुँच जाओगे। जी सर मैं कॉन्टेक्ट में रहूँगा सर, मेहनत करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखो लाइफ में दोस्त हर किसी की लाइफ में कुछ डिफरेंट डिफरेंट मोड रहते हैं और सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी कैसी सिचुएशन होती कभी कैसी,
तो अपना बेस्ट एफर्ट हमें ज़रूर देना चाहिए। तो थोड़ा सा इनसे और बात कर लेते हैं। स्माइल देखो इस बंदे की, कितनी प्यारी स्माइल है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम बालकेश यादव, मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाला हूँ। आजमगढ़ में तो सुना बदमाशी बहुत ज़्यादा होती है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। नहीं मैं सर ITI किया हूँ, इलेक्ट्रीशियन से, मेरा पास आउट 22-23 है। तो कोई इतनी टेंशन नहीं है, अभी तो पास किया है थोड़े दिन तो। अरे देखो, पास करने के बाद एक सभी लोग हो, ये क्यों रहता है यार, अभी तो पास किए थोड़े दिन मज़े ले लेते हैं, रहता है ना माइंड के अंदर, तो मज़े ले लिए हैं हैं? नहीं लिए हैं अभी? यस सर, अभी नहीं लिए हैं। नहीं लिए हैं, चलो कोई जॉब करते करते ले लेना, ठीक है? तो चीज़ें समझ में आ रही हैं। यस सर, हम पहली बार देखे हैं जो यहाँ पे विजिट कराया गया, पहली बार मतलब पढ़ाया गया, वही तो वही जी। तो चीज़ें देखो, कई बार क्या होता है ना, पहली बार देखे नहीं समझ में आएगी, अगर कोई चीज़ ऐसी है ना नहीं समझ में आई, सर को बोलो सर दोबारा दिखा दो मुझे, 10 बार विजिट कराएंगे, 20 बार कराएंगे, 50 बार कराएंगे, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई एक विजिट होगी तो अरे भाई नहीं नहीं बस हो गया सब कुछ, आपको लगे कि सर नहीं थोड़ा सा मुझे मेरा रह गया सर, थोड़ा सा और मुझे बता दो, या इस चीज़ में ये रह गया था सर, ये कैसे होता है? तो माइंड के अंदर ना डाउट कुछ नहीं रखना है, बस आराम से हमें ज्वाइन कर लेना है। यस सर, अभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मतलब स्टार्ट डेट उल्टा में जो है मतलब, और गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं सर। रंग तो रहा थोड़ा नहीं है सर, फोकस डिस्टर्ब जब भी होता है ना कि यार ये फोन नहीं आया है आज। सर आप मोबाइल मेरा रख लीजिए, बस मेरे घर के अलावा किसी का फोन नहीं आएगा। तो फिर ये वाला गम तो नहीं है यार, उस दोस्त की तो है, मेरी तो है नहीं, दोनों तरह की आदमी टेंशन दोनों तरह में चला जाता है यार। नहीं यार, उसकी तो दो दो गर्लफ्रेंड है, मेरी एक भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्या करें? नहीं कुछ ऐसा है तो वो क्लास दे देंगे तुम्हें। नहीं सर, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सब से दूर रहता हूँ, किसी पास चाहे कितना भी रहे। हमारे पास कुछ ऐसे टीचर भी हैं, गर्लफ्रेंड कैसे बटाएं वो कोर्स हम चालू कर देंगे, बता दें। नहीं चाहिए, देखो सब चीज़ों के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब ये सीखना है कि मुझे क्या करना है और आगे बढ़ना है। देखो जो कर रहे हो ना उससे आगे कुछ नहीं है, वो मैं समझो कि वही सब कुछ वही है जी, वो कर लिया तो सब कुछ कर लिया, ठीक है? कुछ और पूछना चाहते हो? जैसे सर मैं पूछना चाहता हूँ कि अब प्रयागराज जो आप सेंटर है वहाँ पे, अगर मुझे मतलब यहाँ से कोई डाउट है तो मैं सर वहाँ पे जाके मतलब सीख सकता हूँ या कुछ? अभी जॉब तुम प्रयागराज की तरफ करना चाहते हो? नहीं प्रयागराज नहीं, मतलब आप कहीं भी लगवा दो, मुझे कोई जैसे मुझे समझ में ना आया तो मैं प्रयागराज। तो अभी क्या बोला, किसी भी सेंटर में जा सकते हो जी, वही पूछ रहा हूँ। यहाँ से प्रयागराज क्यों जाओगे? तो मेरा सर आजमगढ़ से प्रयागराज नजदीक, जॉब तो तुम्हारी यहीं लगेगी, दिल्ली नोएडा में लगेगी स्टार्टिंग में। तुम्हारा है कि तुम्हें आजमगढ़ में या वहाँ करना है तो वहाँ पर भी हो जाएगा जॉब पे, बट यूँ समझो कि 2-3-4 महीने हमें यही जॉब करनी है। नहीं सर, मैं तो जॉब इधर ही करूँगा, जैसे 22-23 में घर गया मुझे जैसे नहीं समझ में आया तो मैं किसी भी सेंटर पे मतलब वही सर पूछना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं जी, ठीक है? तो भाई अभी देखो हम लोगों ने बेसिक एक दूसरे को थोड़ा सा समझ लिया है, आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको आगे जाना है वो भी थोड़ा सा समझा है। तो किसी के माइंड में कुछ है, कोई कुछ डाउट हो अभी हमने जो डिस्कशन किया उसके अलावा? जॉब थोड़ा सा जॉब चाहिए? नहीं सर, थोड़ा सा। देखो दोस्त मैं क्या कहूँगा, ये पूरा टेबल है, मैं इसके ऊपर एक पेन रख दूं और एक छोटा सा डॉट बनेगा, इतनी भी टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, इतनी भी टेंशन नहीं लेनी है किसी को भी। अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं, आपका कोर्स कब कंप्लीट माना जाएगा? जिस दिन तुम्हारी जॉब लग जाएगी और तुम सेटिस्फाई होगे इस जॉब से, उससे बड़ी चीज मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, ठीक है? आपका कोर्स उस दिन खत्म होगा जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी, चाहे वो हमारा रोजगार बैच है वो भी उसी तरह से है, चाहे इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स है, चाहे 2.0 है, चाहे HVAC है, चाहे इलेक्ट्रो प्लम्बिंग है, कोई भी कोर्स है हमारा, हम कहते हैं कि भाई जिसमें 100% जॉब प्लेसमेंट है वो कोर्स आपका उस दिन खत्म माना जाता है जिस दिन हमारे बच्चे की जॉब लग गई है, ठीक है? तो जॉब के लिए तो आप माइंड से निकाल दो, सिर्फ एक चीज की टेंशन लेनी है, माइंड में रखना है कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, जो अपनी ऐप पर पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर हो ना
जब हम इतना कर सकते हैं कि भाई हम कोई छुट्टी नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सातों दिन हम यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप अपने लिए तो उतना कर सकते हैं कि भाई मैं अपना मैक्सिमम दूं इतने दिन, जॉब लगने के बाद तो चिल करना है, मजा करना है सब लोगों को। हाँ सर, स्किल तो नॉलेज तो बढ़ाते हैं सर, ये भाई हमारे स्किल ही सब कुछ है सर, हमारे हमारे अभी प्रेजेंट में भी काम देगा, फ्यूचर में भी काम देगा, हमारा स्किल ही होगा तब हम कहीं साइड पे काम करने के लिए जाएंगे। तो मतलब ऐसा मतलब वो कि हम मतलब जिस साइड पे काम कर रहे हैं वहाँ पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, यदि प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा तो एक्सीडेंट का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हम पहले मतलब ये जो नॉलेज मिल रही है ना प्रॉपर ही मिल रही है आपको, सेफ्टी के बारे में बताया जा रहा है आपको, भैया ये दोनों तार भिड़ने नहीं चाहिए। जैसे अभी एलटी पैनल की विजिट के लिए कहा होगा आपको, इंटरलॉकिंग बताई होगी उसके अंदर होती है आपको, एक डीजी एक ट्रांसफार्मर दोनों अगर ये ऑन कर दिए तो बीच का बस कपलर ऑन नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, वो ऑन होगा भी नहीं, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। हमें पता है न्यूट्रल और फेस अगर भिड़ा देंगे तो क्या होगा, तो वही चीज़ें हैं। हमें पता है नंगे तार को हाथ नहीं लगाना है, अगर हाथ लगाना है तो किस तरह लगाना है, क्या करना है, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें होती हैं और जब उनको जाके हम आगे करते हैं ना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार। हमें एच टी से हमेशा आप लोगों को दूर रहना है, हाई टेंशन से हमेशा दूर रहना है आप लोगों को। एल टी ठीक है भाई चल जाती है, एल टी में भी प्रॉपर लोटोकेट, लोटो की ट्रेनिंग नहीं हुई है ना अभी, होगी तो लोटो की बताई जाएगी कैसे करना है, पी पी ई को कैसे यूज करना है वो सब बताया जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है और सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और किसी का कुछ पूछना है? ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स हैं रिपीट कर देता हूँ जो आप लोगों को करने हैं। पहली चीज कि जो ऐप पे बहुत कुछ डाटा है ना, बहुत कुछ है उस ऐप पे। क्या हुआ, कुछ खराब हो गया क्या इसका?